अब जब हम गिनने की बात करते हैं तो एक वीवीपैट की पर्ची है, वहाँ पर बीजेपी बहुमत से हारी, लेकिन ईवीएम के अंदर घोटाला करके या इनकी मैनिपुलेशन करके ये बहुमत से जीती है। साथियों, हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। हम इनसे अभी आगामी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर में बैलेट पेपर से जो जितनी भी काउंटिंग हुई है और ईवीएम से जो काउंटिंग हुई है उसके अंतर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ जो अंतर दिखाई दिया उस पर इनकी क्या राय है। सत्यप्रकाश जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वीवीपैट के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होती है और वहीं ईवीएम जो है उसके अंदर प्रचंड बहुमत आता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन है वो दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर संवैधानिक एक इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया जो कि नहीं होनी चाहिए। अब जब हम गिनने की बात करते हैं तो एक वीवीपैट की पर्ची है, वहाँ पर बीजेपी बहुमत से हारी है, लेकिन ईवीएम के अंदर घोटाला करके या इनकी मैनिपुलेशन करके ये बहुमत से जीती है। अब या तो ये मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए कि जितने भी ईवीएम है उसके अंदर कंपलसरी वीवीपैट होना चाहिए। देखिए, ये बात देखिए कि अब से 20-30 साल पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब भी आसानी से चुनाव हो जाता था, और आज जो है, आज जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम की जो टेक्निकल जो काउंटिंग है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितने भी मशीन से ईवीएम की वो वीवीपैट से हों, और हम तो कहते हैं कि ईवीएम ना हो, सारा का सारा जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो। जैसा कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमको पता चला था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी को भी वहां पर समर्थन नहीं दिया जा रहा था और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रचार तक नहीं किया करने दिया जा रहा था, वहां पर प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत होती है, इस पर बहुजन समाज पार्टी की क्या प्रक्रिया है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे साथियों से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भारत की एकमात्र पहली पार्टी थी जिसने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी और चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो प्रक्रिया है गैर संवैधानिक है। उस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा मखौल उड़ाया था और यह कहा था कि ये जो है किसानी बिल्ली खम्बा नोचे और इनके बस की कुछ नहीं है, जबकि बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आज आप ये देखिए कि सभी की सभी पार्टियाँ, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जो छोटी पार्टियाँ हैं, वो कहती है कि ईवीएम हटाए, लेकिन वही जब हम बहुजन समाज पार्टी ईवीएम के विरोध में जाएगी तो ये लोग जो है हमारा विरोध करेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी पूरी टीम के साथ में ईवीएम मशीन का विरोध करने में उतर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी भी इसका विरोध करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी भी इलेक्शन का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वोट का जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया वो बहुत संघर्षों के बाद दिया, ड्यूल वोटिंग राइट के बाद दिया और काफ़ी लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स के बाद दिया। और अगर आप ये चाहते हो कि बहुजन समाज का युवा जो है सड़कों पर संघर्ष करेगा तो नहीं करेगा।